पंचकुला की सीबीआई अदालत में बलात्कार का दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम सिंह को हेलीकॉप्टर से रोहतक की सुनैरा जेल ले जाया गया था। जेल ले जाए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में गुरमीत राम रहीम सिंह उस हेलीकॉप्टर में बैठा है जिससे उसको जेल ले जाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों हेलीकॉप्टर एक ही मेकिंग के हैं। दोनों पर एक नंबर लिखा हुआ है AW-139। AW का मतलब है अगस्ता वेस्टलैंड। तो आइए सबसे पहले हम आपको वो दो तस्वीरें दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। बताते हैं कि कंपनी ने ऐसे हेलीकॉप्टर इंडिया में सिर्फ दो कस्टमर्स को बेचे हैं। इनमें से एक गौतम अडानी का ग्रुप है, जबकि दूसरे ग्रुप का नाम जाहिर नहीं किया गया है। इस आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल ये हैं कि क्या मोदी, राम रहीम और अडानी का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या केंद्र की बीजेपी सरकार ने अडानी से सीधे हेलीकॉप्टर मांग लिया था? और क्या ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करते थे? इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था। उनकी ये तस्वीर फोटोशॉप नहीं है, ये असल तस्वीर है। और जहां तक राम रहीम को इस हेलीकॉप्टर से जेल ले जाए जाने का सवाल है, तो सरकार ने इस पर ये कहा है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से ये हेलीकॉप्टर लिया था, कंपनी का नाम जाहिर नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर जब यह तस्वीर आई तो एक दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले यह तस्वीर एक कांग्रेसी नेता सलमान निजामी ने ट्वीट की थी। सलमान निजामी ने ट्वीट किया और साथ में जानकारी दी कि देखिए दोनों लोग एक ही हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, और साथ में उन्होंने अपने ट्वीट में थैंक्स लिखा। ये एक तरीके का तंज था। हालांकि ट्विटर पर जल्द ही सलमान निजामी को गलत भी ठहरा दिया गया। कुछ यूजर्स ने बताया कि ये मॉडल नंबर है जो हेलीकॉप्टर पर लिखा हुआ है AW-139, और इससे ये पता नहीं चलता है कि हेलीकॉप्टर का मालिक कौन है। एक और मीडिया हाउस दैनिक भास्कर का ये दावा है कि भारत में ये हेलीकॉप्टर सिर्फ दो ग्रुप्स के पास नहीं है। 2011 में आई उनकी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि ये हेलीकॉप्टर देश में करीब 20 लोगों के पास है। हालांकि उस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया था कि वो 20 लोग कौन हैं। जाहिर है कि राम रहीम को जिस हेलीकॉप्टर से रोहतक की जेल ले जाया गया था, वो इन 20 में से किसी का भी हो सकता है। दो तस्वीरों के आधार पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये भसड़ गैर जरूरी क्यों है? ये बिल्कुल गैर जरूरी है, क्योंकि अभी तक यही क्लियर नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर अडानी का है भी या नहीं है। और अगर है भी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सरकार किसी से भी उसका हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज ले सकती है। यह जरूरत की बात है। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस समय राम रहीम को हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया जा रहा था, उस समय हरियाणा जल रहा था। उसके आसपास के प्रदेशों में राम रहीम के समर्थक हिंसा फैला रहे थे। ऐसे में अगर राम रहीम को सड़क के रास्ते ले जाया जाता और उसके समर्थकों को ये पता होता कि उसे किस रास्ते से ले जाया जा रहा है, तो हिंसा और ज़्यादा भड़कने की आशंका थी। अब तक काफ़ी हिंसा हो चुकी है, मीडिया को निशाना बनाया गया, आम लोगों को निशाना बनाया गया। ऐसे में जो 250 किलोमीटर का रास्ता था, करीबन 250 किलोमीटर का पंचकुला से रोहतक तक का, उसमें राम रहीम को सड़क से ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनज़र हेलीकॉप्टर लिया और उससे राम रहीम को रोहतक की जेल में शिफ्ट किया गया।